तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बात एंड बॉल और आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ आपका होस्ट और दोस्त ध्रुव राज वशिष्ठ। अभी प्रशांत आपके साथ थे, काफी अच्छी वीडियोस पोस्ट करे उन्होंने, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन पास करी, बट नाउ इट्स मी। और आज हमारे साथ है विनीत सर, विनीत सक्सेना, वन ऑफ दी मोस्ट अमेजिंग बैट्समैन ऑफ राजस्थान, जिन्होंने राजस्थान को काफी टाइम रिप्रेजेंट करा है। तो चलिए बात करते हैं विनीत सर से। विनीत सर, मोस्ट वेलकम ऑन बात एंड बॉल। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमारी हमने अरिजीत भैया का इंटरव्यू लिया था तो ही टोल्ड मी दैट यू आर द वन जिनका किट बैग होता था ना वो बिल्कुल प्रॉपर पैक होता था, तो उस डिसिप्लिन का मतलब कैसे कर पाते थे आप डिसिप्लिन बिल्कुल? देखिए, वन हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो दिस इज पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन के भाई सामान और सब एक तरीके से रखा जाए, मैं प्रॉपर जो भी मेरा रूटीन्स है वो सब मैं फॉलो करूँ, तो जस्ट अ हैबिट। जो दो बार राजस्थान चैंपियन रही थी उसके अंदर भी विनीत सर थे, सर क्या फीलिंग थी उस टाइम जब राजस्थान चैंपियन थी, आप उस टीम का पार्ट थे, तो व्हाट वाज द माइंडसेट? रोहित सर से भी बात हुई थी हमारी, रोहित सर के बहुत क्लोज है विनीत सर, इसलिए आज हम जयपुर क्रिकेट में आप पहुंचे बात करने के लिए। तो सर क्या क्या माइंडसेट था उस टाइम जब टीम चैंपियन थी, उस टाइम आप पार्ट थे उसका? देखिए, जब फर्स्ट ईयर हम चैंपियन बने तो हम लोग वी स्टार्टेड एज द बॉटम मोस्ट टीम ऑफ द कंट्री, बेसिकली वी वर इन द प्लेट ग्रुप एंड उसमें भी वी फिनिश्ड एट द बॉटम इन 2009 एंड फ्रॉम रॉक बॉटम भी वन द चैंपियनशिप, तो ये मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम भी नहीं था ऐसा कि भाई रणजी ट्रॉफी जीतेंगे, कभी सोचा नहीं था कि इस स्टेज से आके जीतेंगे, तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, आई थिंक नॉट एन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग। तो पहली बार तो वैसा रहा, दूसरी बार वी स्टार्टेड ऑफ अगेन बैडली, वी कंसीडर्ड फर्स्ट इनिंग्स इन फर्स्ट फाइव गेम्स एंड उसके बाद एक टर्न अराउंड आया, हमने सौराष्ट्र को आउटेड हराया, फिर उड़ीसा को आउटेड हराया, हम क्वालिफाई कर गए और उसमें भी करते करते फाइनल पहुंचे, एंड फाइनल इट वाज अ वन साइडेड अफेयर। तो 3rd December 1980, एक्चुअली आई थिंक दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ, 3rd December 1980, 99 के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट करा सेट को सिर्फ 19 साल की एज के अंदर। सर, इतना क्विकली आपने स्टार्टिंग से डिसीजन बना लिया था कि क्रिकेटर ही बनना है? नहीं, क्रिकेट वॉज अ पैशन, इज अ पैशन। तो बेसिकली जब मैं व्हेन आई वाज 18 मतलब 1998 आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन अंडर 19, दिस इज न्यू, सॉरी आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट, अगेंस्ट श्रीलंका एंड सेम ईयर आई मेड माय रणजी ट्रॉफी डेब्यू। तो जब अंडर 19 इंडिया खेला एंड रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ तो मुझे लगा कि आई थिंक मैं इसमें कैरियर बना सकता हूँ, एंड इवेंचुअली मेरे को फिर रेलवे से जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो देन प्रॉब्ली आई टर्न प्रो। काफी टाइम राजस्थान को रिप्रेजेंट करा, फिर रेल पे गए, फिर राजस्थान में आए, अभी उत्तराखंड के लिए सर थे, अभी रिसेंटली 2019 के अंदर वापस अभी राजस्थान के लिए आए हैं। सर सर, ये चेंज क्यों आया था राजस्थान से उत्तराखंड क्यों? देखिए, इन 2016 आई वाज ड्रॉप फ्रॉम द साइड राजस्थान एंड 17 आई वाज कंसिडर्ड, तो भाई मुझे क्रिकेट खेलना था, सो वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उत्तराखंड से मुझे खेलने का मौका मिला, तो उनके लिए हमने अच्छा भी किया, वो प्लेट ग्रुप में थी एंड हम लोगों ने अच्छा किया, तो क्वालिफाई करी एलीट ग्रुप के लिए, प्रमोट हुई और उसमें आई वाज द हाईएस्ट मेडल फॉर देम, तो एक डबल हंड्रेड था मेरा, एक 186 था, डबल हंड्रेड था उसके अंदर, तो वो इट वाज होता कि खुद के लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन है कि रणजी खेलने को दोबारा मिला एंड आई गुड परफॉर्म एंड समवॉट जो क्रिटिक्स आई वॉज एबल टू आंसर द क्रिटिक्स ऑल्सो, ऑल्दो आई डोंट थिंक मच अबाउट देम बिकॉज इट्स अबाउट मी एंड रादर देन देम, तो इट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग कि एक मेरे को दोबारा खेलने को मिला और मैं उसमें अच्छा कर पाया। क्योंकि सर हमने एक चीज नोट करी है, राजस्थान के अंदर जितने प्लेयर्स निकले हैं विनीत सर के लिए जिनसे भी पूछो दे यूज टू से कि विनीत सक्सेना इज द अमेजिंग पर्सनैलिटी, ऐसा क्या करते हो सर आप? सबसे अच्छी बात सर, आपकी वाइफ भी है, आपके बेटे भी है छोटे, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अभी इस टाइम पे भी, जैसे आप प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, आप जब टीम प्रेजेंट करते हैं, तो हाउ डू मैनेज योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ? See, but to be very honest, I am very thankful to my wife because in my absence there is no other male member in the family. So, वही पूरा handle करती हैं, बच्चे को संभालना, an aged mother, उनकी देखभाल करना. So, all great to her कि भाई she is managing the show. So, I am really thankful. That's good. That's why I said in every video respect girls and women around you. Sir, इसको थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं. Let's have some quick rapid fire, okay? Sir. टीम में सबसे ज्यादा मजेदार पल कौन सा था आपका, कोई भी एक पल जिसको आप याद करते हो तो आपको हाँ ठीक है बहुत अच्छा लगता हो? जब फर्स्ट ईयर जब रणजी ट्रॉफी जीते द बेस्ट मोमेंट, बैटिंग करने के टाइम कोई ऐसा मोमेंट जब हंसी नहीं रुकी हो, कोई भी एक ऐसा मोमेंट हो, रणजी हो, अंडर 19 हमने रिप्रेजेंट करा था वो हो,
बैटिंग करते वक्त का तो उतना ध्यान नहीं मुझे, बट हम बाहर बैठे हुए थे एंड मुंबई से रन ट्रॉफी मैच चल रहा था, तो रोहित बैटिंग कर रहा था साथ में पंकज गुप्ता जो यहाँ पे हैं अभी, तो ये लोग बॉल फाइनल लेग पे गई, एक रन भागे, दो रन भागे, तीसरे में दोनों भिड़ गए और रोहित रन आउट हो गया। तो रोहित हैज अ हैबिट ऑफ गेटिंग आउट इन अ फैंसी, मतलब ना कि बड़े या, तो इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। सो तो कोई आउट होता तो जनरली आपको दुख होता है, तो बट वो आउट हुआ तो दुख तो खैर पता नहीं, बट हसीब बहुत है। रोहित सर से सर इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि व्हेनेवर वी सॉ दिस रोहित सर पे कमाल के प्लेयर है सर, आपका भी कोई जवाब नहीं है, तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनी, किस टाइम पे बनी? देखिए हम लोग आई थिंक 98-99 से हम लोग साथ में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो लगभग उससे पहले भी हम लोग, रोहित जयपुर के लिए खेलता था, मैं उदयपुर के लिए खेलता था, तो धीरे धीरे होता ना कि व्हेन यू मीट एंड स्लोली एंड स्टेडली बिकम क्लोज। सर टीम का सबसे बदमाश प्लेयर कौन है? मेरे को तो रोहित सर लगता है लिटरली। सही जवाब है, राइट, थैंक यू यार। सबसे कंजूस प्लेयर? कंजूस यार ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोच लो सर, बहुत टाइम है हमारे पास, वेट करो थोड़ा सा। यार ऐसा बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस आया नहीं कि कंजूसी दिखी हो। नहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस। अच्छा सर, आपका जयपुर में सबसे फेवरेट फूड स्ट्रीट कौन सा? स्ट्रीट या फूड स्ट्रीट? स्ट्रीट यार इफ यू आस्क अबाउट रेस्टोरेंट तो मैं बोल सकता हूँ, वी ऑफन गो टू टपरी, बट स्ट्रीट एज सच आई डोंट हैव मच ऑफ आउटसाइड फूड। आई एम अ बिग फैन ऑफ कॉफी, तो कैफेज थोड़ा जाते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली स्ट्रीट फूड। If you, after just watching this video, if you want to Vineet sir, you can go to Tapri anytime. Rohit sir and Vineet sir are available over there 24/7, I think so. Sir, thank you so much for this beautiful interview. We'll be looking forward for the tutorial as well. As we know, Vineet sir is the best batsman for the Rajasthan. Very nice cricketer as well. So in the next video, we'll obviously show you the tutorial of the batting, his best side. And till the time, keep watching Baat and Ball. I'm your host, Duleep Trophy. Never forget to like, share and subscribe. Thank you.